अभी जिस तरीके से संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये आग जो है अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी? आग के अंदर केजरीवाल है, पहुंचे कि नहीं, पर्याप्त सबूत है। उनके घर के अंदर बैठकर संजय सिंह ने बंटवारा किया। जो अरोड़ा है उसने बाकायदा किस प्रकार से जे वार्निंग की, संजय सिंह का सहयोगी जो काम देखता था, गेट पे खड़ा होता था, वो अरोड़ा की फैक्ट्री के अंदर कैसे पार्टनर बन गया 800 करोड़ की में, तो ये सारे विषय सामने दिखाई देते हैं। और ये पहले भी कहते रहे केजरीवाल जी, मैं अराजक हूँ, अराजकता पे विश्वास करता हूँ। कौन सा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? आप कल्पना कीजिए, 35 लाख के अंदर स्कूलों के कमरे बनाना, एक कमरा 35 लाख। जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, 23 हजार करोड़ रुपए का घाटा उसके अंदर जा रहा है। जनता को गुमराह किया था 2013 के अंदर, कहा था कि हम घर का हर घर के अंदर नल देंगे, नल में सब जल देंगे। आज भी माफिया टैंकर वहां पर चलते, पहले भी चलते थे, आप केजरीवाल जी की स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। जमुना वैसी की वैसी गंदी है, छठ पूजा आएगी आपको देखने में मिलेगा किस प्रकार से हमारे पूर्वांचल के भाई वहाँ पूजा करते हैं। उस पर भी 1000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं वो लोग। और सबसे बड़ा पाप ये किया कि आज आजादी के बाद अनेक राजनीतिक दलों ने राज किया है, लेकिन गुरु गोविंद जी बर्थडे हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ईद हो, चाहे बड़ा दिन हो, उस दिन ठेके बंद रखा करते थे क्योंकि हमारी आस्था थी, संस्कार हमसे जिए हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने आते ही सबसे पहले कोई भी छुट्टी ठेकों की नहीं होगी 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी के अलावा, और रात को भी दारू बिकेगी, एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री मिलेगी। हमने मापदंड रखे हुए थे कि 100 मीटर के स्कूल के कॉलेज और जो उसके मंदिर के बाहर नहीं होगी, उनको भारी खोलने का काम किया। मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है, देश की संस्कृति और युवाओं को खत्म करने का, उस हाथ से केजरीवाल जी खेल रहे हैं। और केजरीवाल जी देश के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। घोटाले तो आपको हर ईंट के नीचे घोटाला मिलेगा, तो इसलिए ये कहना कि केजरीवाल जी के आग पहुंचेगी नहीं, केजरीवाल जी खुद आग में खड़े हुए हैं, वो अलग बात है कि उन पर मंत्रालय नहीं है, सहन नहीं करते हैं, तो इस कारण से वो अपने अपने चेलों को फंसाने का काम करते रहते हैं। लेकिन अब लगता है कि जो बंटवारा पैसे का उनके घर के अंदर हुआ है, तो इससे वो बच नहीं सकते और वो उसके गवाह भी हैं। सर, अगर सरकार ने भी शराब के लिए हर घर में बार खोलने